Hi everyone, welcome back to my channel, The Starlet. My name is Ruby and I'm up with a new video. So today is my birthday and I'm in the office. So this is our temporary office. इसलिए मैं आपको अपना कैबिन नहीं दिखा पाऊंगी आज. But maybe हम लोग दो तीन दिन में शिफ्ट होने वाले हैं तो मैं आपको अपना कैबिन दिखाती हूँ. And I'm very happy, but not much excited. पता नहीं क्यों. शायद मेरी आज एनर्जी लो है. But आज मैं बहुत ऐसा नॉर्मल सा ड्रेसअप होकर आई हूँ, टी शर्ट वगैरह एंड स्कर्ट पहन के. तो आज मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोग ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं बिकॉज ना हम लोग को प्रॉपर स्नैक्स मिला और लंच में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है. इन लोग के पास स्टाफ कम है तो बट मैं गुस्सा नहीं करूँगी क्योंकि आज मेरा बर्थडे है. तो मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ अपने आप को शांत रखने की और बट अब मुझसे हो नहीं रहा क्योंकि मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया है. और इतने का आपको जोड़ना चाहोगे? थोड़ी सर्विस स्लो है, थोड़ा तेज बोलो. हमारी इनकी थोड़ी सर्विस स्लो है और हमने बहुत चीज़ें ऑर्डर करी है बट वो बहुत लेट लेट आ रही है. तो ऐसा मतलब फीका सा हो गया सब कुछ. इतने अच्छे मूड में आई थी मैं यहाँ, पता है. सो लिटरली बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है एंड लेट्स सी और कितना टाइम लगेगा. अरे ये तो खा रहा है. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Moona. Happy birthday to you. Photos click kar do. Tissue bhi de do. Jaldi. फोटोज क्लिक कर लो. एक सेकेंड बस. फाइनली केक कट हो चुका है, लंच हो चुका है एंड मुझे मिला है बहुत प्यारा सा गिफ्ट. आई विल शो यू. सो करण जी ने मुझे गिफ्ट करा है. सॉरी, केक वॉज सो ब्यूटिफुल. आप लोगों ने देखा होगा, बहुत प्यारा केक था एंड लंच थोड़ा सा हमारा ऐसे ही हो गया बट ठीक है, जो भी था. सो अभी मैं सोच रही हूँ कि आप घर चलते हैं एंड शाम को भी मुझे कहीं जाना है. सो वहाँ के लिए भी रेडी होना है बट यू नो व्हाट, मुझे ड्रेस नहीं मिली है. मैं गई थी शॉपिंग के लिए दो बार और दोनों बार मुझे ड्रेस नहीं मिली बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस. थोड़ा सा साइज़ वगैरह का इशू हो रहा था. एक दिन मुझे इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट पहुँची थी और दूसरे दिन जब मैं गई टाइम पे तो साइज़ वगैरह के इशूज़ की वजह से मुझे ड्रेस नहीं मिली. तो मुझे या तो कुछ पुराने कपड़े ही पहनने पड़ेंगे जो कि मुझे फिट नहीं हो रहे हैं बहुत टाइम से बिकॉज मैं मोटी हो गई हूँ, या तो जो मैंने अभी पहना हुआ है उसी में जाएंगे. वैसे ये भी अच्छे लग रहे हैं कपड़े. सो लेट्स सी. ये यहाँ पे कट कर रहे हैं.
ये कट हो रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इसको कैसे लेके जाए, तो हम इसमें लेके जा रहे हैं। हाथ गंदे हो रहे क्या? थैंक यू दीदी, वेलकम। केक बट रही, केक फेंक दे रही, प्रसाद। सो गाइज, ऑफिस से आने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा था। रेस्ट इन द सेंस सोई नहीं, बस ऐसी मैं लेटी हुई थी। अब रेडी होते हैं वापस, बट कुछ ऐसा पुराना ही पहनेंगे, बिकॉज मैंने बताया था कि न्यू ड्रेस नहीं हो पाया। सो लेट्स सी कि हम क्या पहनते हैं, और हमें जाना है डिनर पे। सो अभी हम फटाफट रेडी होते हैं। तो बिकॉज ऑफ फैन एंड एसी ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है बीच में से, ये बीच में से पूरा ख़राब हो गया है, मतलब उलझ गया है। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊंगी, बिकॉज आप सुन सकते हो पीछे गाने चल रहे हैं। सो ब्यूटीफुल, प्लीज कमेंट डाउन कि आपको कैसा लगा। फाइनली यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। मैं बहुत टाइम से चाह रही थी मैं पिज़्ज़ा खाऊँ, फाइनली मुझे थिन क्रस्ट टेस्ट की पिज़्ज़ा मिल गया। अरे अरे अरे, ये गायें डॉग फूड में क्यों मुंह मार रही है मेरी? ओ शिट, इसने तो पूरा पिला दिया। गाइस ये लोग बहुत ज़्यादा भूखे हैं, बहुत ज़्यादा। और आप वहाँ पर देख रहे होगे एक प्यारा सा बच्चा, ये इसको मार रहे थे, तो मैं स्पेशली वहाँ जाके उनके लिए खाना डाल कर आई हूँ, सॉरी उसके लिए खाना डाल कर आई हूँ। गाइस हमारा तो खाना कम पड़ गया, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे भी बच्चे हैं। ओ माय गॉड, और आपको पता है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, पर जो डॉग फूड है, यहाँ की गायें इतनी ज़्यादा भूखी है, वो डॉग फूड खा रही हैं। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रही है, चल क्या रहा है यहाँ पे, बहुत अजीब सा सीन हुआ है। बट मुझे जिस तरीके से यहाँ देख के लग रहा है ना, सो मुझे लगता है कि यहाँ पर हर डे, मतलब दिन में एक बार आना चाहिए फीड करने, बिकॉज बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई इन लोगों को नहीं खिलाता है सीरियसली, इस लोकेशन पे बहुत अच्छे से पता चल रहा है मुझे, और बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा। क्योंकि आप खुद सोचो, एक गायें, जितनी भी गायें हैं, वो जो डॉग को फूड डाल रहे हैं हम, वो उनमें से ही खा रही है। बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब वियर्ड हो गया आज तो, बहुत ज़्यादा लिटरली मुझे बहुत बुरा लग रहा है। Mm-hmm.